नफरतों के दौर में कहीं ना कहीं हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वह मोहब्बत और रिश्तों को सहेजने वाली तस्वीर है। जी हाँ, खंडवा के एक मुस्लिम युवा को उसकी हिंदू बहन राखी बांधती है। यह सिलसिला वर्षों से चला रहा है। देश और दुनिया में पहले नफरत के इस माहौल के बीच दोनों भाई बहनों का यह रिश्ता इंसानियत की एक अटूट मिसाल पेश करता है। देखिए यह खास रिपोर्ट खंडवा से। खंडवा के नवचंडी मंदिर के पास रहने वाले देवेंद्र शिवाल केटरिंग का काम करते हैं। काम के चलते उनकी दोस्ती सिविल लाइन पर रहने वाले फरहाज शेख से हो गई। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। इसी बीच उनकी पत्नी आशा शिवाल फरहाज को राखी बांधने लगी। यह सिलसिला कई वर्षों से सतत जारी है। आशा बताती हैं कि राखी भाई बहनों का त्योहार है। वे हर वर्ष फरहाज शेख को राखी बांधती हैं। नफरत फैलाने को इस बहन ने कहा कि इससे कुछ नहीं होता, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे से स्नेह करना चाहिए। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है और भाई बहनों का त्यौहार होता है और भाई जो फराग शेख है उनको मैं कई सालों से राखी बांधती हूँ। क्या कहेंगे और लोगों से जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव पालते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहीं नहीं, सब मिलजुल के रहता है, ऐसा कहीं नहीं है। सब मिलजुल के रहना चाहिए और आपस में प्रेम करना चाहिए। फरहाज बताते हैं कि हमारे देश में सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। परंपरागत तरीके से हमारे देश में राखी को भाई बहनों के बेशुमार मोहब्बत के साथ मनाते हैं। मैंने भी अपनी बहन आशा से राखी बंधवाई है, उसकी रक्षा का वादा किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार सभी जाति और धर्मों के लोगों को मिलकर त्योहार मनाने की आजादी है। परंपरागत तरीके से इस त्योहार को भाई बहनों के बेशुमार मोहब्बतों के पर्व के नाम पर मनाया जाता है। यहाँ पर भाई अपनी बहनों से राखी बंधवा कर उनकी रक्षा करने का एक कसम खाते हैं। तो वैसे ही मैंने भी अपनी बहनों से राखियाँ बंधवाई हैं और उनको उनकी रक्षा करने का और जीवन भर समय समय पर जब उनको मेरी आवश्यकताएं पड़ेगी मैं हर जगह पर उनके लिए खड़ा हुआ हूँ और खड़ा होता हुआ भी आया हूँ और खड़ा रहूँगा। डॉक्टर भीमराव और रामजी अंबेडकर ने भी एक संदेश दिया था कि ये भारत जो हमारा देश है ये अनेक जाति अनेक धर्मों का देश है और यहाँ पर सभी जातियाँ और सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे के त्यौहार मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। कुछ लोग अगर असामाजिक तत्व ऐसा करने में भिड़े हैं तो वो करते रहें, उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग मोहब्बत की एक मिसाल कायम करेंगे और करते रहे हैं हमेशा। हम लोग भाई बहन के इस पावन पर्व की खुशी दोगुनी हो जाती है। मामा फरहाज अपने भांजे भांजियों के लिए चॉकलेट लेकर आते हैं। भांजी श्रेया बताती हैं कि मेरी मम्मी मेरी मामा को राखी बांधती हैं। त्योहारों को हम सभी मिलकर मनाते हैं। ईद पर हम भी मामा के घर जाते हैं। मेरे मामा है, मेरी मम्मी उनको हर बार राखी बांधती है। राखी पे आते हैं और कुछ मीटिंग वीटिंग होती है तब जाते हैं मामा के घर, मामा के पास। मेरी मम्मी हर वर्ष मामा को राखी बांधने जाती है, रक्षाबंधन पे या कोई भी सेलिब्रेशन पे। मम्मी मामा हम सब अच्छे से मनाते हैं। हम भी ईद पे मामा के यहाँ जाते हैं, सेलिब्रेशन एंजॉय करते हैं। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट।